गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी डूइंग क्वेश्चन एफ, है ना। इस चैप्टर के हमने ए बी सी डी ई क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लासेस में कर लिए। अब आज हम करेंगे आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर वन, डिफाइन हर्ब श्रब एंड ट्रीज। हर्ब श्रब एंड ट्रीज को डिफाइन करना है, तो पेज नंबर 57 में आपको यहाँ पर हर्ब श्रब्स एंड ट्रीज दे रखे हैं, तो आप हर्ब में लगाइए। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। यहाँ तक लगा करके आगे आप लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल मिंट स्पिनच। ठीक है, प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, फॉर एग्जाम्पल मिंट एंड स्पिनच। देन उसके बाद है श्रब। प्लांट्स विच डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम आर कॉल्ड श्रब्स। देयर स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। फिर उसके आगे लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल रोज तुलसी। ठीक है, देन ट्रीज। प्लांट्स विच आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम आर कॉल्ड ट्रीज। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। यहाँ तक लग के फिर इसमें एग्जाम्पल लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल नीम पीपल। ठीक है, सबके आंसर के अंदर आप ये एग्जाम्पल लिखोगे। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। क्रीपर्स और क्लाइंबर्स में क्या डिफरेंस है। देन अगेन पेज नंबर 57, सबसे लास्ट वाला पैरा देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। प्लांट्स दैट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड विथ वीक स्टेम्स एंड कैनॉट स्टैंड अपराइट आर कॉल्ड क्रीपर्स। इसके आगे आप लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल पम्पकिन। प्लांट्स दैट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड विथ वीक स्टेम एंड कैनॉट स्टैंड अपराइट आर कॉल्ड क्रीपर्स, फॉर एग्जाम्पल पम्पकिन। नीचे फिर, प्लांट्स दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट। ये दोनों की हेडिंग डाल करके लिखोगे आप, पहले क्रीपर हेडिंग लिखोगे, उसके बाद ये डेफिनेशन लिखोगे फॉर एग्जाम्पल, फिर क्लाइंबर हेडिंग डालोगे, उसकी डेफिनेशन लिख करके एग्जाम्पल। इसी तरह से आंसर नंबर वन के अंदर भी इसी तरह से हर्ब श्रब और ट्रीज हेडिंग डाल करके ही काम करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ लीफ विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। इसका आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी, लेकिन डायग्राम आप बुक में से बनाओगे, और वो डायग्राम है आपका पेज नंबर 59 में। ये आपको लीफ के डायग्राम यहाँ पर, नहीं सॉरी ये नहीं, पेज नंबर 58 के अंदर आपको ये दे रखा है लीफ का डायग्राम, ये बनाना है। ठीक है, पेज नंबर 58 में ये लीफ का डायग्राम दे रखा है, स्टेम पीटियोल और लैमिना। ठीक है, और इसका आंसर मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। देन क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स। लीव्स के अंदर फूड किस तरह से प्रिपेयर होता है। इसका आंसर है, पेज नंबर 62 के अंदर ये ऊपर देखो, वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ अ प्लांट फ्रॉम द सॉइल विच इज़ ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स
through the stem. With the help of sunlight, water, and minerals, leaves prepare food which gets stored in different part of a plant through the stem. ठीक है, ये पूरा पैरा आ जाएगा. वाटर एंड मिनरल से स्टार्ट करोगे आप और थ्रू द स्टेम तक. ये हो गया आपका फोर्थ का आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 5 में राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द रूट ऑफ अ प्लांट. इसका आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी. देन अगेन 6th, नेम द पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड डिस्क्राइब देयर फंक्शन. इसका आंसर भी मैं आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप में. इसके अंदर भी आपको पिक्चर बनानी है, फ्लावर की एक ड्राइंग बनानी है. ये आपका है पेज नंबर 63 के अंदर. ये डायग्राम और ये तीनों डायग्राम आपको वाइट पेज पर ड्रॉ करने हैं. ठीक है, डायग्राम सारे आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे, वाइट पेज पर ड्रॉ करोगे. अगर आपको कलर यूज़ करना है तो यूज़ ओनली पेंसिल कलर और वैक्स कलर, स्केच पेन से कोई भी कलर नहीं करेगा. ठीक है, तो ये तीनों डायग्राम आपको बनाने हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3rd, 5th एंड 6th मैं आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर दूँगी. ठीक है.